न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में योगी ने भरी हुंकार, सपा कांग्रेस पर कसा तंज, कहा सरकारी आवास खाली कराने पर टोटी खोल ले जाते हैं अखिलेश, और कांग्रेस शहजादी प्रियंका निभा रही है मुंह नोचवा की भूमिका, इसलिए केंद्र में बनाए फिर एक बार मोदी सरकार। सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की जनसभा में बसपा प्रमुख मायावती, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कांग्रेस और सत्ता पक्ष पर साधा निशाना, कहा टिकाऊ है ये गठबंधन। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में बोले सीएम योगी, देश में गूंज रहा है एक ही आवाज, फिर एक बार मोदी सरकार। शहजादी कहती थी यूपी के लड़कों की है जोड़ी, ये दो बैलों की है जोड़ी। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में गोरखपुर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, कहा कम मतदान से कांग्रेस को है फायदा, नॉन बीजेपी पार्टियों का लेंगे सहयोग। शत प्रतिशत मतदान के लिए आयोजित हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, वोट करेगा गोरखपुर। डीएम ने कहा आपका वोट बहुमूल है, इसे ना जाने दें बेकार, 19 मई को अवश्य करें मतदान। गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार। मुहिम संघ जुड़े ईसाई समाज के लोगों ने शपथ लेकर सभी वर्गों के लोगों से मतदान अवश्य करने की अपील। मतदाता जागरूकता रैली को जिला अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा जहां मतदान प्रतिशत होता है कम उसी इलाके में करेंगे भ्रमण। कोई मतदान ना छूटे की थीम को साकार करते हुए जिला प्रशासन ने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों से पोस्टल बैलेट के जरिए करवाया मतदान। अपने चुनावी दौरे पर गोरखपुर पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी, कहा कांग्रेस व सहयोगियों को मिल रहा है बहुमत, बनेगी यूपीए 3 की सरकार। और मतदान के लिए ड्यूटी पर लगाए गए मतदान कर्मियों को ईवीएम वीवीपैट के संचालन, पैकेजिंग, बूथ प्रबंधन समेत दी गई अन्य जानकारी।